इस किसान ने पकड़ा दो मुंह वाला दुर्लभ सांप। देखने के लिए लगी लोगों की भीड़। भारतीय संस्कृति में सांप को बहुमुखी प्रतिभा के साथ दर्शाया गया है। कोई सांप को जादुई मानकर इनकी पूजा करता है तो कोई सांपों से दूर ही रहना ठीक समझता है। यहाँ तक कि सांपों का वर्णन वेदों और पुराणों में भी पाया जाता है। कई लोग सांपों को अध्यात्म से जोड़कर भी देखते हैं। वहीं कई लोग मानते हैं कि सांपों को दूध पिलाना बड़े पुण्य का काम होता है। आप इनमें से किसी भी श्रेणी में आते हो या न आते हो, लेकिन आपने अपने जीवन में कई तरह के सांपों को देखा और इनके बारे में सुना होगा। यहाँ तक कि आपने दो मुंह वाले सांप के बारे में भी सुना होगा और इसे देखा होगा। लेकिन एक ही सिरे पर दो मुंह वाले सांप के बारे में जानकर आपको भी अचंभा होगा। चीन में एक व्यक्ति के घर में एक ऐसा सांप निकला जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। सांप के एक ही सिरे पर दो मुंह थे। रिपोर्ट के अनुसार चीन के हेबेई प्रांत के एक गांव में रहने वाले किसान सेन झाओ ने बताया कि उन्होंने सांप को सोमवार सुबह अपने घर में देखा था। इसके बाद सेन झाओ ने उस दुर्लभ सांप को सावधानी पूर्वक पकड़ लिया। सेन झाओ ने उस सांप को पकड़ कर एक बर्तन में रख लिया। जैसे ही स्थानीय लोगों को सेन झाओ के घर दो मुंह वाले सांप के निकलने की खबर मिली, उनके घर में उस सांप को देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। कई लोगों ने सांप का वीडियो भी बना लिया, जिसे चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर भी किया है। पीपल्स डेली द्वारा पोस्ट सांप के वीडियो को अब तक 28,000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इस वीडियो को 140 लोगों ने रिट्वीट किया है, जबकि 400 से अधिक लोगों ने लाइक किया है। कुछ यूजर्स ने तो इस दुर्लभ सांप को देखकर आश्चर्य जताया है। हालांकि एक शरारती बच्चे के कारण सांप वहां से भागने में कामयाब हो गया। बच्चे ने कौतूहलवश उस बर्तन को खटखटाया जिसमें सांप था, तो उसी दौरान सांप वहां से भाग गया। जानकारी के लिए बता दें कि यह पहला दो मुंह वाला सांप नहीं है। भारत में भी दो मुंह वाले सांप की प्रजाति पाई जाती है। इस प्रजाति को रेड सैंड बोआ कहा जाता है। रेड सैंड बोआ की विदेशों में तस्करी भी की जाती है। इस सांप की खास बात यह है कि सेन झाओ द्वारा पकड़े गए एक ही सिरे पर दो मुहन वाले सांप के बजाय इसके दोनों सिरों पर मुहन होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसको खाने से शारीरिक क्षमता में इजाफा होता है और कई बीमारियों में लाभ मिलता है। लेकिन यह एक अंधविश्वास के सिवाय कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो इसे सौभाग्यशाली मानकर खरीदते हैं ताकि उनकी किस्मत खुल जाए।